ओम नमः शिवाय। जब आप अस्वस्थ होते हैं, बीमार होते हैं और डॉक्टर या वैद्य के पास जाते हैं, तो वैद्य क्या करते हैं, डॉक्टर क्या करते हैं? सबसे पहले वह यह जानने का प्रयास करते हैं कि आपके शरीर का तापमान क्या है, बॉडी टेम्परेचर क्या है। उसके दो मायने हैं। वो ये जानने का प्रयास करते हैं कि शरीर का तापमान सामान्य से कम है या अधिक है। सामान्य तो निश्चित रूप से नहीं है, अगर सामान्य होता तो शरीर में रोग ना होता, इस बात को ठीक से जान लें। और वो ये जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि बीमारियों की एक कैटेगरी है कि लोअर टेम्परेचर में कौन सी बीमारियां होती हैं, हायर टेम्परेचर में कौन सी बीमारियां होती हैं। तो सबसे पहले वो कैटेगरी डिसाइड करते हैं कि पता तो चले कि कौन सी बीमारी से, और बाकी लक्षणों का पता लगाने के बाद वो अंदाज़ा लगाते हैं कि बीमारी क्या है। तो सबसे पहला काम उनका होता है कि बॉडी का टेम्परेचर पता करना कि टेम्परेचर क्या है। उसके बाद वो गेस करते हैं अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज के आधार पे कि जो मरीज है, किस रोगी है, किस बीमारी से जूझ रहा है। अब यह जानने का प्रयास करें कि हमारे शरीर का तापमान कितना बड़ा सूचक है इस बात का कि हमारा शरीर एक रोग में है। लोग मेरे से अनेक माध्यमों से पूछते हैं कि गुरुजी ये बताइए, क्या इस बीमारी का इलाज प्राणायाम से संभव है, क्या इस बीमारी का इलाज स्वर योग से संभव है। मैं कहता हूँ कोई ऐसी बीमारी नहीं, कोई ऐसी समस्या नहीं, ना शारीरिक, ना आध्यात्मिक, ना ही मनोवैज्ञानिक, जिसका इलाज, जिसका निदान, जिसका समाधान स्वरयोग में ना हो। स्वरयोग क्या करता है? स्वरयोग आपके शरीर के टेम्परेचर के साथ आपका उपचार करता है। और शरीर का तापमान, शरीर का टेम्परेचर कितना ज़रूरी है, आपको मैं कुछ उदाहरण देके समझाने का प्रयास करता हूँ पहले, फिर आपको थोड़ा बताऊँगा डिटेल में कि कैसे आप कुछ बीमारियों का भी इलाज कर सकते हैं इससे। जब आप एक वैद्य के पास जाते हैं, वैद्य आपके नब्ज चेक करता है। मैंने आपको पिछली बार बताया था कि आपको मैं आयुर्वेद के साथ थोड़ा कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा, इसको ये भी बताऊँगा आपको फिर आगे फिर कि नब्ज कैसे चेक करते हैं, ये भी मैं सिखाना चाहता हूँ, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है आपको सीखना कि वात पित्त कफ का पता कैसे चलेगा जब आप नब्ज को पकड़ेंगे तो आप सीखेंगे। देखिए, वैद्य के पास तो कोई इक्विपमेंट नहीं, थर्मामीटर नहीं आपका बॉडी टेम्परेचर नापने के लिए, तो वो तो डॉक्टर के पास है। लेकिन वैद्य क्या करते हैं, ऐसे नब्ज पकड़ेंगे आपकी और देखेंगे वात पित्त कफ कौन सा प्रभावशाली है, उससे आप वो पता लगा लेंगे कि बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है या कम है। ठीक है, अब शरीर में किस तरह का रोग है, जैसे उदाहरण मैं आपको दूं, सिर का दर्द है। ठीक है, कोई सिर का दर्द हुआ किसी को, कोई गया दवाई खाने के लिए, एक दवाई खाई, वो दवाई तो गई पेट में लेकिन असर उसका हुआ सिर में, वो एक अलग साइंस है, उस पर नहीं जाएंगे अभी। लेकिन उस दवाई ने सिर में असर क्या किया, आप इसको पहले सिर का दर्द हुआ क्यों ये जानने का प्रयास करें। सिर का दर्द मतलब बढ़े हुए टेम्परेचर का रोग, जिसका हाई टेम्परेचर है उसका रोग, जिसका बीपी ब्लड प्रेशर हाई है उसका रोग है। ये तो आप जान लें, बेसिक बात है। अब हमने क्या करना है, जैसे ही हम तापमान को कम करेंगे, शरीर के तापमान को कम करेंगे, ब्लड प्रेशर डाउन हो जाएगा, ब्लड प्रेशर डाउन हो जाएगा और सिर का दर्द ठीक हो जाएगा। ये काम दवाई करती है अपने तरीके से, लेकिन दवाई आप एक खाते हैं तो उसके साथ साथ अनेक रोग और भी पीछे आते हैं। सिर का दर्द तो जाएगा लेकिन अनेक रोग, वो लीवर और इंटेस्टाइन और हार्ट की बीमारियां साथ लेता आएगा। कोई भी पेन किलर खाएं, कोई भी आप एंटीबॉडी बायोटिक खाएं, उसका जो है साइड इफ़ेक्ट उसके साथ ही आएगा। आपको उस समय तो ऐसा लगेगा कि हाँ एक बीमारी ठीक हो गई, लेकिन आपको महीने, दो महीने, छः महीने, एक साल बाद लगेगा एक बीमारियों की पूरी एक श्रृंखला उसके साथ में आ गई। अब उस दवाई ने क्या काम किया कि आपके तापमान को, शरीर के टेम्परेचर को कम किया और बीपी कम हो गया, समझ गए इस साइंस को। अब इसका उल्टा भी होता है, जैसे
कई लोग शिकायत करते हैं पैरों में जलन होती है या पैरों में दर्द होता है, जब सुबह उठते हैं पैर जमीन पर रखते हैं बिस्तर से नीचे, पैरों में जलन और दर्द की शिकायत होती है, वो भी इसी समस्या से जूझ रहे हैं। लेकिन उल्टी वहाँ पे टेम्परेचर कम है और कम होने के कारण वहाँ ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पा रही। ब्लड सर्कुलेशन नहीं होने के कारण क्या है? दर्द, जलन, अनेक लक्षण, स्किन का फटना, त्वचा का फटना, ऐसे अनेक लक्षण हैं उसके। अब क्या करेंगे? पैरों को गर्म पानी में डाल के रखेंगे, दो चार दिन मालिश करेंगे थोड़ी, फिर वो ठीक हो जाएगा। हमने किया क्या? हमने वो उपाय किए जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा दिया जाए, टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए और वो जगह से जो है रोग नष्ट हो गया, बीमारी ख़त्म हो गई। यही सब काम हम स्वर योग से, स्वर साधना से कर सकते हैं। आप अभी तक जानते हैं कि एक सूर्य स्वर है, एक चंद्र स्वर है। आपको लेकिन बता दूं, एक सुषुम्ना स्वर जो है वो कितना उपयोगी है अनेक रोगों को ठीक करने के लिए। जैसे मैं अभी बात करूं कि अभी जो ये दौर चल रहा है कोरोना का, ये वायरस क्या है कि मैं ज़्यादा इसके बारे में बोलूँगा नहीं, फिर ये वीडियो डिलीट हो जाएगा यूट्यूब से। आप कम टेम्परेचर कर दें, चाहे आप -40 कर दें, वो वायरस ज़िंदा रहेगा। टेम्परेचर इतना बढ़ाना पड़ेगा, 58-60 डिग्री तक लेके जाना पड़ेगा उस टेम्परेचर, उसको मारने के लिए। ये दो छोर हैं, ठीक है, या इतना कम करें या वो तब मरेगा, या इतना बढ़ा दें वो तब मरेगा। लेकिन ध्यान रखना, एक पतली सी रस्सी एक कठोरतम पत्थर पे घिस घिस के निशान डाल देती है। यही काम हमारे स्वर कर सकते हैं। सूर्य और चंद्र, सूर्य और चंद्र, गर्म और ठंडा, गर्म और ठंडा मिलके बड़े से बड़े शत्रु को मार सकते हैं। मैं अनेक डॉक्टरों से बात कर रहा हूँ, अनेक रिसर्चर हैं जो दुनिया भर में, उनसे मेरी बातचीत हो रही है इस बारे में, क्या हम, और उनका बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स है इस बारे में, कि क्या हम स्वर योग के माध्यम से इस तरह की बीमारियों का भी हम इलाज कर सकते हैं। टीका लगवाना तो ऐसे है कि दुश्मन अभी आपके सामने आया नहीं और आपने तलवार चलानी शुरू कर दी, क्योंकि वो तो रोग से पहले ही लगेगा टीका तो। लेकिन स्वर योग कब काम करेगा? जब शत्रु ठीक सामने खड़ा है और आपके पास दो तलवारें हैं, सूर्य और चंद्र की, और दोनों तलवारों से हमला किया जाएगा। शायद तलवार ना कहूँ मैं, उसको कहूँ कि दो सुई भी जब चुभ ही जाती है ना एक हाथी को भी, हाथी को कभी, हाथी तो मनी मारता नहीं, हाथी इंतजार कर रहा है कि हाथी आएगा उससे लड़ूंगा, लेकिन हाथी को मारती है चींटी। उसी प्रकार से इतना प्रभावशाली यह विज्ञान है, जो कि अगर हम इसको मैनेज कर पाएँ, ये एक रिसर्च का विषय है कि किस लेवल पे इसकी साधना की जाए, टेम्परेचर को, सूर्य स्वर को और चंद्र स्वर को कितना प्रयोग में लाया जाए, उसके बाद से किस बीमारी का निदान होगा। जैसे आपको एक और उदाहरण दूं कि बांसुरी बजाते हैं ना, अगर आप में से कुछ लोग बजाते होंगे बांसुरी या हारमोनियम बजाते होंगे या कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या गिटार बजाते होंगे, उसमें सुर होते हैं, सारे गा मा पा धा नी, सारे गा मा पा धा नी, ये तो सुर हैं। लेकिन एक पूरा सुर होता है और आधा सुर भी होता है। बांसुरी पे जब उंगली लगती है ना तो वो पूरे उस छिद्र को बंद कर देती है, लेकिन अनेक रागों में कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते समय, हारमोनियम पे भी उंगली कभी आधी पड़ती है, कभी थोड़ी सी पड़ती है, 25%, 30%, वो एक अलग ध्वनि उत्पन्न करने के लिए। ऐसा बांसुरी में भी होता है, ऐसा ऑलमोस्ट हर एक वाद्य यंत्र में होता है। यही जो टेक्निक है मैं इसकी बात कर रहा हूँ, जो कि सुषुम्ना स्वर है। सुषुम्ना स्वर ये नहीं दोनों का चलना, बल्कि सुषुम्ना स्वर
कि दोनों का कितना चलना, कब तक चलना, कहाँ चलना, किस समय इसका प्रयोग करना ही बीमारी का इलाज बन जाता है। अनेक ऐसे दंपति आए जो अनेक तरह की शारीरिक मानसिक बीमारियों से ग्रसित हैं। कुछ नहीं बताया मैंने उनको, सिर्फ स्वर योग के थोड़े थोड़े प्रयोग बताए। लोग फ़ोन करके पूछते हैं, बहुत बीमार हैं आज क्या? मैं सिर्फ कुछ नहीं बोलता, सिर्फ स्वर योग के थोड़े उपाय बताता हूँ। और मैं बोलता हूँ 5 मिनट में फ़ोन करना, 10 मिनट में फ़ोन करना, दोबारा पहले इसको कर लो, 5-10 मिनट ज़्यादा नहीं। और फ़ोन आता है तुरंत, जैसे कोई और आदमी बात कर रहा है, जैसे आदमी ही बदल गया, शरीर ही नया आ गया। इतने जल्दी जल्दी उपाय, इतने जल्दी जल्दी उसके लाभ होने शुरू होते हैं। तो मेरा आज का मुख्य विषय ये था कि आप सिर्फ सूर्य और चंद्र पर ही ना टिके रहें, सिर्फ इतना ही ध्यान ना दें कि रोग का इलाज सूर्य स्वर से होगा या चंद्र स्वर से होगा। अनेक लोग ऐसा भी लिखते हैं, पूछते हैं कि मेरा सिर्फ एक स्वर चल रहा है, आपको लगता है, लेकिन जब अनेक बार आप स्वर चेक नहीं करते, वो स्वर बदलता भी रहता है बीच बीच में। एक स्वर आपका चल रहा है, कोई कहता है मेरा सूर्य स्वर ही चल रहा है, आप पागल हो जाओगे, मर जाओगे अगर हमेशा सूर्य स्वर ही चल रहा है तो। 3 दिन में मृत्यु निश्चित है। यही तो उस व्यक्ति के भी लक्षण हैं जो कि मरण शैया पे है। अब ये बात बताने में बहुत कष्ट होता है किसी को। कई बार ऐसा अनुभव भी हुआ कि कई लोगों से बात हुई, उनका स्वर देखा, परीक्षण करने के लिए उनके घर वालों को बोला, तो बहुत दुख के साथ बताना पड़ता है। कई बार बहुत जो निकट लोग हैं उनको बताया जाता है कि हाँ, इनका समय, अंतिम समय जो है नज़दीक है। स्वर विज्ञान कितनी आपको सूचना देता है। कुछ शुभ कार्य होने वाला है तब भी स्वर आपका कुछ सूचनाएं देगा। जैसे मैंने कहा कि जो मध्यम स्वर है ना, जो सुषुम्ना का स्वर, उसको आपको समझने और पहचानने की ज़रूरत है, क्योंकि सिर्फ दाएं और सिर्फ बाएं नहीं, जो ग्रे एरिया है ना, सारी दुनिया उसमें सिमटी हुई है। अगर आप चाहें सूर्य और चंद्र से ही सारे काम हो जाएं, वो नहीं हो पाएगा। कभी कभी कुछ लेफ्ट और राइट का भी लेना पड़ेगा। कितना और कब और कहाँ, ये प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। अब देखें, ऐसे नहीं कह सकता कि मैं एक किताब लिख दूँ और उसमें बता दूँ कि हाँ, इस बीमारी का इलाज इतना सूर्य और इतने चंद्र के अभ्यास से हो जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति का शरीर और मन अलग है, तो उसका जो रोग का इलाज है वो भी उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है, जैसे कि आयुर्वेद है। अब आयुर्वेद का फ़ायदा लोगों को क्यों नहीं हो रहा, इस बात को भी समझें। लोग बहुत शिकायत करते हैं इस बात की भी, गुरुजी आयुर्वेद की दवाइयाँ खाई लेकिन उसका फ़ायदा नहीं हुआ। आयुर्वेद की दवाइयाँ फैक्ट्रियों में बन रही हैं, अब पुराने वैद्य नहीं खुद हाथ से कूट के उनको बना रहे। और उससे भी प्राचीन समय में तो क्या होता था कि वैद्य बता देता था, हाँ ये दवाई है, अब जाओ जंगल में जाके और कहीं से खेती करके और इस दवाई को पैदा करो और लेके आओ, तब तैयार करो और फिर खाओ, तब रोग का इलाज होगा। देखिए, आप सारी प्रक्रिया से आप गुजरे। पहले आप जाएंगे उस दवाई, उस पत्ते को खोजेंगे, पेड़ की छाल को खोजेंगे, उसको लेके आएंगे, उसको सुखाएंगे। खोजने में 1 दिन लग गया, मान लो 2 दिन लग गए, कहीं पहाड़ पे जाके लेके आना है, कहीं नदी के पास से लेके आना है, उसको फिर सुखाएंगे, उसको फिर कूटेंगे, तो 3 दिन लग गए। कूट के उसको उबालेंगे पानी में, उसका काढ़ा बनाएंगे, 5 दिन लग गए। 5 दिन में आपने क्या क्या किया, आधा रोग तो उसी में ही समाप्त हो गया, उसी में ही ख़त्म हो गया। और जो जिस ऋतु की दवाई होगी उसी ऋतु में वो खाई जाएगी। अब सर्दियों में कोई आपको ये नहीं कहेगा कि आम की गुठली का जो है आमचूर बना के आप खाइए, क्योंकि वो पता है वो गर्मियों में मिलने वाला फल है, तो सर्दियों में वो एक अलग इलाज बताया जाएगा। लेकिन अब हो क्या रहा है, आप जाते हैं, अच्छा शंखवटी आपने जो है ले ली बाज़ार से, कोई भी दवाई ले ली, ना आपको उसकी प्रकृति पता है, ना आपको उसका मौसम पता है, ना आपको पता है किस मौसम में वो पैदा होती है, ना आपको पता है किस मौसम में वो खाई जाती है। बस वो लिख दिया कि इस बीमारी में ये जो है दवाई खाई जाएगी, बस आप इसलिए निश्चिंत होकर खा लेते हैं कि हाँ पता है इसका साइड इफ़ेक्ट तो कोई होना नहीं है, लेकिन फ़ायदा भी नहीं हो रहा कोई। इसलिए जो है आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो हैं उनका प्रभाव कम होता जा रहा है, वो स्टोर करके रखी जा रही हैं। अब सालों साल उन पर एक्सपायरी डेट देखो, 2-3 साल बाद की है, तो
तो उसका प्रभाव अपने आप ही कम हो जाता है। और दूसरा, आपकी श्रद्धा भी नहीं है उतनी उस दवाई को खाने में। आप अंग्रेजी दवाइयाँ भी खा रहे हो, साथ में कह रहे हो हाँ दवाइयाँ तो चल रही हैं, वो आयुर्वेद तो हम वैसे भी खा सकते हैं साथ में, तो इसलिए भी उसका लाभ थोड़ा कम हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा इसको। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरा आशय थोड़ा कहने का आज समझ आया होगा, थोड़ा और आप परिचित हुए होंगे स्वर विज्ञान से। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।